अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की न्यूज़ रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं। काइंडली अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू रहने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ऑल पे कर दें, ताकि डेली बेसिस पे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और अलर्ट्स का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो हम बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारे पास रहने वाली टेकन 8 के रिलेटेड। रिसेंटली मैं आप सबको बताता चलूँ, जो अरसलान नैश रहने वाले थे वो OTB का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जिनको विन कर चुके हैं अरसलान नैश। अरसलान नैश के विनिंग मूवमेंट्स के हाईलाइट्स भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ। Pressure just going with the downfall. Nice sight. Look at the sight. Definitely engaged with Arthur Nash. The movement is on point. Pintle's out. There it is. 4-2-1. That's going to guarantee a nice big combo as well. We're not going to get to the wall because Yakushima is the biggest stage in the game. But we're going to get a lot of damage. Oh, that's going to floater. Oh, didn't have enough life to absorb it. Yeah. That two hit string, man, just took all of his life. Arthur Nash. 1-1 in this potentially last game. Spinning around, Jira, Jira. Off and a four, punish. Ooh. There it is, the 2-2 punish on the hop kick. That's a new attack and aid. Dabs into ups. Again, just missing up the time in. Back three. Guaranteed hitting injury. Doesn't look good. Oh, he backdashed it, but wasn't sure and didn't want to commit to pressing the button to try and punish it. And this is tournament point now for Arslan Ash, actually. One more round, and he's going to be your only the best sixth champion. He's going to take it. 4-2-1, heat engaged, heat activated, chainsaw, chip, chip, chip. I got chip one. On. Yeah, fishing for Arslan, trying to duck or sidestep or anything. Down back, sidestep four, going to count hit. Heat spent, no more heat for Arslan Ash. Observer, my own heat's activated now. 2, use the down back one plus two. Underneath the jab, what's the finish? And, they count it! Arslan Ash is your only the best sixth champion, taking it over Mogul. The crowd pops off, applause all around for Arslan Ash. His first only the best win. Let's go. Oh, well, well played, man. Like, you said it at the start of, like, he has a goal, and he's usually said that, like, I've had this goal to win this tournament, win this. He came here. तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहने वाली आई8 ब्लेड के रिलेटेड। रिसेंटली बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, जो आई8 के ब्लेड रहने वाले हैं और टीम रेजिसाइड को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए टीम रेजिसाइड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो ब्लेड रहने वाले हैं टीम रेजिसाइड को ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पोस्ट शेयर हो रही है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहने वाली क्रिप्टो के रिलेटेड। तो रिसेंटली क्रिप्टो को टीम गोनेक्सा 8 ई स्पोर्ट्स से फेयरवेल दे दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है, जो गोनेक्सा 8 का जो क्रिप्टो रहने वाला है, नेक्स्ट कौन सी टीम को ज्वाइन करेगा? और इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गोनेक्सा 8 में अब न्यू प्लेयर कौन सा एडअप होने जा रहा है। लेकिन बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, जो जो रेजिसाइड का नोकी रहने वाला है टीम गोनेक्सा 8 को ज्वाइन करेगा, और इसी के साथ साथ जो आई8 के क्रिप्टो रहने वाले हैं वो 52 ई स्पोर्ट्स में ट्रायल दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्रिप्टो 52 ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, 52 ई स्पोर्ट्स में एक न्यू प्लेयर ट्रायल दे रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, जिनका नेम 52XM7 रहने वाला है। रिसेंटली मैचेस के अंदर M7 डिफरेंट फ्लैक्स निकाल रहा है। आप सबको मैं बताता चलूँ, जो M7 रहने वाले हैं वो 52 ई स्पोर्ट्स के मैनेजर और एज आ फिफ्थ प्लेयर भी रहने वाले हैं। तो बहुत से लोग स्ट्रीम पे कंफ्यूज हो रहे थे, जो क्रिप्टो रहने वाला है वो M7 के नेम से खेल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्रिप्टो 52 में ट्रायल दे रहा है कि नहीं दे रहा? इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहने वाली ISF के मैचेस के रिलेटेड। रिसेंटली मैंने IQ से पूछा था, क्या ISF के मैचेस में हमें क्रिप्टो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनका रिप्लाई भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने रिप्लाई दिया मुझे इन्फो नहीं इस बारे में, बट आई थिंक ही विल प्ले। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ISF के अंदर रोस्टर जो रहने वाले हैं वो लोग रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको IQ, क्रिप्टो, फलक और उजम देखने को मिल रहे हैं। अगर क्रिप्टो ISF के मैचेस I8 के साथ नहीं खेलेगा, तो वंस अगेन इस ये भी गोनेक्सा 8 ISF के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएगी।
तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।